नमस्कार, मैं हूं पायल गुड़ियाल। स्वागत है आपका A1 न्यूज में। आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। पीएम मोदी ने देहरादून के ऐतिहासिक परेड ग्राउंड में चार धाम यात्रा मार्गों के लिए प्रस्तावित ऑल वेदर रोड का किया उद्घाटन। साथ ही बोले, नोटबंदी से अंडरवर्ल्ड की दुनिया तबाह हो गई है। पीएम मोदी ने उत्तराखंड में एक रैली को संबोधित करते हुए केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को आधुनिक श्रवण कुमार का दिया दर्जा। साथ ही पीएम ने ये तक कहा कि भविष्य में लोग श्रवण कुमार की तरह ही नितिन गडकरी को याद रखेंगे। बसपा सुप्रीमो मायावती द्वारा पार्टी की छवि खराब करने के आरोप पर रामविलास पासवान ने कहा कि बीएसपी की छवि अच्छी कहां थी जो कोई खराब करेगा। केंद्र सरकार 30 दिसंबर की सीमा समाप्त होने के बाद किसी के पास पुराने 500 और 1000 का नोट पाए जाने पर जुर्माना लगाने की कर रही है तैयारी। हालांकि इस बारे में आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन इसे कल कैबिनेट के समक्ष रखा जा सकता है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने अपनी पार्टी के खाते में जमा हुए 104 करोड़ रुपए पर दिया बड़ा बयान। कहा, बीजेपी कर रही है सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल। साथ ही भाई पर लगे आरोपों को भी बताया निराधार। फादर टॉम को आईएस के चंगुल से रिहा कराने का विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ट्वीट कर दिया भरोसा। कहा, हम फादर टॉम की रिहाई के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, साथ ही रिहाई के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। सरकार ने ट्रेन दुर्घटना में हताहत और मौत होने पर दी जाने वाली मुआवजा राशि को दोगुना करने के लिए 1989 के रेलवे अधिनियम के तहत नियमों में किया संशोधन। वहीं अप्रिय घटना संशोधन नियम 2016 के तहत मुआवजा राशि 4 लाख रुपए से बढ़ाकर 8 लाख हुई। तमिलनाडु के पूर्व मुख्य सचिव पी रामा मोहन राव ने भारत सरकार पर भेदभाव का लगाया आरोप। कहा, उनके दफ्तर पर आयकर विभाग ने बिना उचित परमिशन के मारे छापे। साथ ही कहा, मेरे पास पंचनामा है जो आयकर विभाग के छापे के बाद बना है। हरियाणा ने कैटरपिलर ट्रेन के लिए पायलट कॉरिडोर बनाने के विचार पर हुआ काम शुरू। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने सीएमओ से कहा, वे गुड़गांव के स्थानीय अधिकारियों से करें बात और इस मसले पर आगे की बनाए रणनीति। नोटबंदी पर सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष की महत्वपूर्ण हुई बैठक, जिसमें राहुल गांधी ने कहा, नोटबंदी से ना काला धन खत्म हुआ ना भ्रष्टाचार। पीएम ने कहा था 30 दिसंबर तक सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अभी तक स्थिति वैसी की वैसी ही है। उत्तर भारत में बढ़ती ठंड और कोहरे का कहर जारी। भारी कोहरे की वजह से 32 ट्रेनें हुई लेट, जबकि 2 ट्रेन को किया गया रद्द। बिहार के बिहटा के परेव गांव पितल नगरी में मचा हाहाकार। नोटबंदी से पहले यहां बड़ी संख्या में मजदूर काम करते थे, लेकिन अब संख्या काफी घट गई है। वहीं बड़ी संख्या में हुए मजदूर बेरोजगार। गुजरात के राजकोट में पुलिस ने 26 लाख रुपए के जाली नोटों को किया बरामद। वहीं नोटों सहित 2 लोगों को भी किया गिरफ्तार। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर कहा, यदि राष्ट्रपति चुनाव में उनके सामने बराक ओबामा भी खड़े होते तो उन्हें भी हार का मुंह देखना पड़ता। पीएम मोदी का चुनावी नारा अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की सभा में दिया सुनाई, तो बराक ओबामा की भाषण के दौरान छलकी आंखें। वहीं जॉन कैरी को भारत में यातायात जाम की समस्या का अनुभव हुआ। शेयर बाजार में दिखा नरमी का रुख। बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 81.01 अंक बढ़ा। वहीं निफ्टी 7900 अंक नीचे। चंडीगढ़ में आयोजित एक कार्यक्रम में पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने भारतीय पुरुष राष्ट्रीय हॉकी के 6 हॉकी खिलाड़ियों सहित 9 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को खेल कोटे के अंतर्गत पुलिस उपाधीक्षक किया नियुक्त। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की अनुशासन समिति ने मुंबई सिटी FC पर एथलेटिको डी कोलकाता के खिलाफ ISL सेमीफाइनल के दौरान टीम के दुर्व्यवहार के लिए 5 लाख रुपए का लगाया जुर्माना। बॉलीवुड के सुल्तान सलमान खान ने फार्म हाउस में मनाया अपना बर्थडे। 51 साल के हुए सलमान खान, खान का जन्मदिन 27 दिसंबर 1965 को हुआ था। फिलहाल हमारे साथ बड़ी खबरों में इतना ही। आप तमाम खबरों के लिए देखते रहिए A1 न्यूज। नमस्कार जी, A1 न्यूज चैनल को और मेरे पूरे देशवासियों को नव वर्ष 2017 की मैं अग्रिम शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।